हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको मैं लगातार दो डेढ़ हफ्ते से आपको बोलती आ रही थी बजाज ऑटो बजाज ऑटो बजाज ऑटो। और अगर आपने बजाज ऑटो को आज देखा है, कुछ भी मत सुनिए, पहले थम्स अप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कल जब हमने इंट्रोडक्टरी क्लास अपनी ली है, जो हमारा बैच शुरू हुआ है, उसमें मैंने पूछा कि कितने लोग कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, तो उसमें से 23% पीपल हैव कम बाय रेफरल। आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल, बिकॉज आप लोग खुद भी सीखते हैं और लोगों को एनकरेज करते हैं टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट। यू नो, हमारा मेरा ऑब्जेक्टिव व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल वाज कि मेरे को कोई मेंटोर नहीं मिला था अबाउट लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट, टू गिव इन डेप्थ नॉलेज टू पीपल। With that objective we started, मेरा कभी भी ये objective नहीं था कि मैं आपको अपना screenshot दिखाऊं। मेरा objective हमेशा clear रहता है, to study with you people, to explain you people. And आप इस video में मैं आपके साथ कुछ study करूंगी, so that you get understanding of the stock market, right? और ये हम अपने course में करते हैं पूरा एक साल तक। हम आपको तीन बार दिन में live trading कराते हैं, एक बार 9 से 10, फिर उसके बाद आप एक्सपायरी ट्रेडिंग करते हैं मेंटर्स के साथ, फिर आप कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं। इन दिस सेम कोर्स यू लर्न अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट, वेदर इट इज इक्विटी, इट्स एफएनओ, इट इज हेजिंग, इट इज कमोडिटी, एवरीथिंग इज टेकन केयर हियर इन दिस कोर्स, एंड वी टेक केयर ऑफ यू गाइस वन फुल ईयर। अगर आप इस बात को मानते हैं कि कुछ तो मैंने स्टडी किया था ना, कुछ तो मुझे दिख रहा था जो आप लोगों को नहीं दिख रहा था इस कंफ्यूजन में, जिससे मैं ये आपको बोल पा रही थी कि बजाज ऑटो में ब्रेकआउट आएगा, बजाज ऑटो में ब्रेकआउट आएगा, राइट? कुछ तो ऐसा था, मानते हो कि नहीं? इस बात को मानते हो कि कुछ तो इस कंफ्यूजन में था, इस अप एंड डाउन में ऐसा था जो मुझे बता रहा था कि ये स्टॉक चलने वाला है। और इसने आज वैलिडेट किया है कि द स्टडी दैट आई वाज डूइंग ऑन इट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि जिस दिन ये गिरा था ऑन द बजट डे 23rd को, जिस स्पीड से इसने बाउंस किया था, इट टोल्ड मी क्लियरली दैट द स्टॉक मे गो थ्रू अ टर्मोइल बट इवेंचुअली इट हैज टू गो अप, राइट? एक समझ, यहाँ पे ना बायर्स बैठे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए थे एट 8745। और यहाँ पे भी इस दिन, जिस दिन गिरा था ये 4th जून को, आप याद करो 4th जून को तो हमारा इलेक्शन डे का रिजल्ट था, और 23rd जुलाई को हमारा बजट डे था। दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स थी और दोनों दिन इसने बाउंस किया था। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट आइडेंटिफिकेशन था मेरे लिए कि इस जगह पे 8745 पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए हैं, और जब इसने बाउंस किया था तो मुझे पता था कि सूनर और लेटर द स्टॉक इज गोइंग टू गिव ब्रेकआउट। बट दिस वाज वन पार्ट ऑफ इट, देयर वर मेनी पार्ट ऑफ इट दैट आई न्यू इन एडवांस दैट द स्टॉक इज अबाउट टू गिव अ ब्रेकआउट। और इसी के चलते मैंने अपने प्रीमियम एफएनओ ग्रुप में बजाज ऑटो की कॉल को बाय के लिए दिया था 145 के आसपास, और आज इसने 520 का हाई लगाया है। तो अगर आप मार्केट डायनामिक्स को समझते हैं तो आप करेक्ट जगह पे एंट्री ले पाएंगे, और करेक्ट जगह पे अगर मैं यहाँ पे कहीं पे ले लेती तो वो पूरा ऑप्शन जो था ना मेल्ट होके जीरो हो जाता। बट और इम्पेशेंट, यू नो, लाइक हम जब देखते हैं ना रेड इन अ पोर्टफोलियो तो हमारा पूरा माइंडसेट खराब हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप एंट्री लो तो एक करेक्ट जगह पे लो, और उसके लिए टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टाइमिंग के लिए आपको मार्केट की डायनेमिक्स को बहुत अच्छे से समझना होता है। तो आज मैं आपके साथ एक स्टॉक स्टडी करूंगी, फिर मैं उसका प्राइस एक्शन स्टडी करूंगी, और अगर आपको मेरा जो मैं सिखाती हूँ, आपको समझाती हूँ, अगर वो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि वैल्यू क्रिएटिंग है, मेरे चैनल को एटलीस्ट आप अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ग्रुप्स में शेयर करिए, और स्टडी करिए जो मैं आपके साथ स्टडी करी हूँ। और या मैंने कल अपना जब वेबिनार शुरू किया तो लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने मेट्स के, अपने ड्राइवर्स के अकाउंट खोले हैं, और वो निफ्टी में या निफ्टी बीस में या सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में, वो लोग उनके या किसी पर्टिकुलर अच्छे अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स में उनके कुछ पैसे हर महीने डलवाते हैं। आई थिंक यू नो दिस इज आवर वे ऑफ बिकमिंग पैट्रियोटिज्म। यू नो, हम जाके सरहद पे लड़ाई नहीं कर सकते, बट दिस इज अ वे वी फाइट पॉवर्टी इन आवर कंट्री। जो गरीबी है उससे लड़ने का यही एक तरीका है, टू मेक पीपल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड टू गिव देम दैट पावर। If not today, tomorrow they will be powerful to be able to spend the to use the money that they have accumulated for the child's marriage or for any other thing. Anyway, बहुत हो गई बातें और मेरा ज्ञान तो चलता ही रहता है, आप लोगों को भर भर के मिलता रहता है। I'm good at it, right? मतलब मेरे दिमाग में वो सारी बातें चलती रहती है तो वो आप तक पहुंचती रहती है। तो शुरुआत करते हैं
जो मेरे रडार पे आज स्टॉक है उसकी बात करेंगे, प्राइस एक्शन की बात करेंगे, और मैं आपको आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे पता करेंगे कौन सा जोन आपका एक्युमुलेशन जोन होना चाहिए या इसमें क्या इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो रही है, और वो मैं इस स्टॉक के एग्जाम्पल से लेके आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये स्टॉक का नाम है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड। पहले इस स्टॉक की बात कर रहे थे, एग्जैक्टली व्हाट दे एग्जैक्टली डू। Craftsman Automation started the journey in the year of 1986 as a small-scale industry in the southern India of Coimbatore and grown to become a leader in precision manufacturing in diverse fields. The company manufactures several components and sub-assemblies on a supply and job work basis according to client specifications in the automotive industries, industrial and engineering segments, headquartered in Coimbatore. Company's largest player in machining of cylinder blocks and cylinder heads in the intermediate MHCV segment, as well as the construction equipment category. Automotive powertrain, cylinder blocks, cylinder head, camshafts, transmission, housing, bearing cap, differential. So basically they are into automation. So I'm not going to go into much detail, but if you want to understand ki inka breakup kaise hai, toh कमर्शियल व्हीकल में 55% है, ऑफ हाईवे 20%, ट्रैक्टर्स 15%, एसयूवी अबाउट 10%। और अगर हम बात करते हैं कि इनका मार्केट कैप कितना है, तो इट्स 14,170 crores। पी इज लिटिल हायर एट 50, आरओसी इज अबाउट 20%, आरओई इज अबाउट 20% टू। अगर इसके प्रोज की बात करते हैं, तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स एंड कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 25.6% CAGR, एंड द ओनली थिंग इज दैट दिस इज ट्रेडिंग एट 7.27 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू एंड प्रमोटर्स होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड। अब बात करते हैं इनके पीयर्स, आप देख सकते हो संवर्धना, मदर सनसुमी, बॉश, यूनो मिंडा, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इनफैक्ट आज जितनी भी ऑटो एंसिलरीज से सब में ब्रेकआउट आया है। एंड अगर इनकी सेल्स की बात करते हैं तो जून 2021 से लेकर जून 2024, दैट मींस 3 इयर्स में इनकी सेल्स जो है ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हुई है, उससे भी ज्यादा हुई है। थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा नीचे गए हैं, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में डेफिनेटली देयर हैज बीन अ ग्रोथ। अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इज डेफिनेटली गुड पॉजिटिव, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन है नेट प्रॉफिट में। अगर ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स जो है 4 टाइम्स हो गई है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो स्टेबल है। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस जो है, अगर मैं काफी समय से बात करूं ईयर ऑन ईयर 2020 से लेके, तो लगातार देयर हैज बीन अ ग्रोथ इन ईपीएस। ओके, अब इनके रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की बात करते हैं, तो रिजर्व्स है 1647 एंड बोरोइंग्स आर ऑलमोस्ट इक्वल। और अगर बात करते हैं इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड द प्रॉफिट्स आर बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशंस एंड नेट कैश फ्लो की बात करें तो वो भी पॉजिटिव है। डेटर डेज 61 से रिड्यूस होकर 47 पे आए हैं, और अगर हम बात करते हैं आरओसी की, तो वो भी अच्छी खासी 20% पे है। अगर हम बात करते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग, वो धीरे धीरे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं, 59% से लाके अब इन्होंने 48% पे खड़ा किया। बट अगर प्रमोटर्स एग्जिट कर रहे हैं, देन हु इज एंटरिंग इनटू इट? आप देख सकते हैं कि एफआईएस की जो होल्डिंग थी वो 3.7% की थी, वो बढ़ के 15% की हो गई है। डीआईएस की होल्डिंग बढ़ के 14% से बढ़ के 21% की हो गई है, और पब्लिक की होल्डिंग इसमें थोड़ी रिड्यूस हुई है, 22% से घट के 14% पे आ गए, राइट? तो आप जानते हैं हमेशा कि इंस्टीट्यूशंस एंड द रिटेल इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज ऑन द ऑपोजिट साइड। सो इंस्टीट्यूशंस आर इंक्रीजिंग बट रिटेलर्स आर डिक्रीजिंग। अब चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, विच इज अबाउट, अच्छा बजाज ऑटो का चार्ट लगाया तो मैं साथ में आपको डिक्सन का चार्ट भी दिखा देती हूँ। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने भी आपको ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दिया है, राइट? इतने हाई पे आप देखते होंगे, कोई ऐसा कोई भी बंदा आपको ये सजेस्ट नहीं करेगा, बट मी बीइंग मी करती हूँ, मैं मुझे समझ में आता है तो मैं करती हूँ, और कई बार गलत भी हो जाता है, राइट? तो दोनों ही तरी चीजें हैं। तो वही है कि अगर गलत हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास स्टॉप लॉस है, और सही हो जाता है तो एंजॉय करो, राइट? अब हम बात करते हैं क्राफ्ट्समैन की। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, ये आपके सामने चार्ट लगा हुआ है, राइट? अब मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। देखो, सबसे पहले आप देखो कि ये जो जगह है, ये जगह पास्ट में ये बैरियर था। कई बार जो है स्टॉक जो है इसी जगह से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, राइट?
मेनी टाइम्स स्टॉक हैज टेकन रेजिस्टेंस फ्रॉम द सेम प्लेस. ऊपर गया, क्रॉस किया, वहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर ऊपर गया, फिर इसी जगह पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर इस जगह को वॉल्यूम के साथ ब्रेक करा है. देखो ये जो जगह थी ना, ये जगह रेजिस्टेंस की, दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट जोन राइट. और वो इंपॉर्टेंट जोन जब इसने ब्रेक करा है यहां पे इस दिन, अब लुक एट द वॉल्यूम्स, लेट मी जस्ट मेक इट बिगर, लुक एट द वॉल्यूम्स ऑन दिस पर्टिकुलर डे व्हेन इट ब्रोक दिस रेजिस्टेंस. यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड थे राइट, इस स्टॉक को ऊपर ही नहीं जाने दे रहे थे. तो जैसे ही अब बायर्स हैव टू एंटर राइट, बायर्स को अपना डोमिनेंस दिखाना है. हाउ विल बायर्स शो देयर डोमिनेंस? बाय ब्रिंगिंग द वॉल्यूम्स राइट. एंड दैट इज हाउ मैसिव वॉल्यूम्स हैव कम ऑन दैट डे. And this candle basically defines the boundary. अपनी boundaries को define किया, ऊपर जाके नीचे गया, और जहां पे इसने पास में barrier लिया था वहीं पे आके support लिया है. अगर कोई समझदार trader होता तो यहीं पे entry, इस जगह पे entry लेता था, इसमें 5000 के आसपास, और ये movement enjoy करता था. But anyway, we are safe traders. हम बहुत बहुत safe trader हैं. अब क्या है कि हमको पता है कि ये एक बहुत strong zone है, right? 5000 का एक zone जो है बहुत strong zone है. बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है. उस दिन आप वॉल्यूम के साथ देखिए, इसमें इंस्टीट्यूशनल एंट्री हुई है. आपको क्या लगता है कि इस तरह के वॉल्यूम्स रिटेलर्स ला सकते हैं? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल. दीज वॉल्यूम्स आर ओनली ब्रॉट इन बाय इंस्टीट्यूशंस. अब इंस्टीट्यूशंस आर एक्टिव, वो क्या करते हैं, अपनी एक उन्होंने अच्छी खासी हैवी पोजिशन क्रिएट की. उसके बाद जैसे ऊपर गया, रिटेलर्स को लगेगा अरे 5000 से स्टॉक 5800 पे आ गया, दे विल बुक प्रॉफिट, फॉर देम इट्स क्वाइट अ लॉट. नीचे आएगा, फिर इंस्टीट्यूशंस यहां पे एंट्री लेंगे, फिर स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इंस्टीट्यूशंस एंट्री लेंगे, और आज फिर इसने ब्रेकआउट किया है. अब आपको, आपके पास देखिए बिल्कुल क्लियर है, स्टॉक के फंडामेंटल्स ठीक है. अब आपको क्या करना है कि आप 5800 से लेके 5000-6000 तक कहीं भी इसमें एक्युमुलेट कर सकते हैं बाय एनी चांस. लेट्स से मार्केट में एक बड़ा फॉल आ जाता है, तो आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है 5000 का, जहां पे आप और एक्युमुलेट कर सकते हैं. आई होप आई हैव मेड इट क्लियर कि पीछे जो था यही जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगा था, बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए थे. देखो पहले क्या था, यहाँ पे भी एक अटेम्प्ट हुआ था इसको टेकन आउट का, बट वॉल्यूम्स वर नॉट गुड इनफ. अब देख रहे ना वॉल्यूम, इस जगह पे वॉल्यूम्स अच्छे नहीं थे. जब ये ब्रेकआउट आया था तो वॉल्यूम्स नहीं थे, बट जब इस दिन ब्रेकआउट आया है ऑन द 24th जून, वॉल्यूम्स हैव मल्टीप्लाइड ऑलमोस्ट बाय मेनी टाइम्स, एटलीस्ट 10 to 20 times, एंड देयर इज एन इंस्टीट्यूशनल एंट्री दैट हैज टेकन प्लेस. एंड ये कैंडल ने अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन किया है. इस कैंडल का लो आपका एक्युमुलेशन जोन रहेगा, इसके ऊपर आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी. आज जैसे ही स्टॉक इस कैंडल के हाई के ऊपर गया है, आपने देखा है कि आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है. तो मेरे हिसाब से अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, थोड़ा नीचे जाने से डर नहीं लगता है स्टॉक के, तो आप कुछ क्वांटिटी इस जोन में खरीद सकते हैं, विच इज 5900 to 6000, इस जोन में खरीद सकते हैं. बाय एनी चांस ये स्टॉक नीचे गिरता है तो आप 5042 पे आप और एक्युमुलेट कर लेते हैं. यू नो आई हैव बीन ट्रॉल्ड फॉर सो मेनी स्टॉक्स. जैसे मैंने एक बार PCBL दिया था, इट वेंट डाउन, पीपल हैव पुट देयर एंटायर प्रोविडेंट फंड इनटू दिस स्टॉक, एंड बिकॉज इट वेंट डाउन दे वेंट हेल्टर स्केल्टर, बिकॉज यू डोंट नो द मनी मैनेजमेंट, एंड देन यू कम बैक एंड राइट हियर दैट गलत आपने ये दे दिया, मेरा लॉस हो गया. आज देखो ना PCBL ने क्या ब्रेकआउट दिया, इतना चलने के बाद भी इतना ब्रेकआउट दिया है. मैं आपको एक और स्टॉक दिखाती हूँ जिसके लिए मुझे इंस्टा पे इधर उधर आप लोगों ने इतना ट्रॉल किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. यथार्थ हॉस्पिटल, मैंने यथार्थ हॉस्पिटल इस कंसोलिडेशन जोन में दिया था और बोला था कि ये स्टॉक यहाँ पे दिया था आपको 421 पे, और ये दिया था मई में करीब दिया था, और तब से लेके हॉरिजॉन्टल था, कुछ कर ही नहीं रहा था. और आप लोग जगह जगह कब चलेगा क्या करेंगे, हाउ विल आई नो, हाउ आई सपोज टू नो. मैंने केवल प्राइस एक्शन स्टडी किया है राइट. आज चल गया, अब कोई नहीं लिखेगा, अब सब इधर उधर हो जाएंगे, बट जब तक नहीं चल रहा था, यू गाइज हैव जस्ट गिवन मी यू नो ऑल व्हाट यू कैन, यू नो जगह जगह ट्रॉल करके, जगह जगह लिख के कि इनको बताना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, ये लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं. आई एम नॉट इन्फ्लुएंसर, आई मस्ट से बी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, माई जॉब इज रीड द प्राइस राइट. तो पेशेंस नहीं है तो डोंट कम हियर, गो फॉर अ
यू नो गैम्बलिंग स्पेस, कहीं पे कहीं गैम्बलिंग होती हो ना, या कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी आपको कोई कराता हो, वहां चले जाओ। ये जगह है जहां पे आप आराम से बैठ के आप इन्वेस्ट करो और अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करो, नीचे गिरता है तो और ले लो। आज नहीं हुआ प्रॉफिट, 6 महीने के अंदर आपको 100% प्रॉफिट होगा। अगर आप उस कैपेसिटी से आते हो तो रुको यहाँ पे, नहीं तो जॉब बहुत निफ्टी बैंक निफ्टी के बहुत चैनल्स हैं, वो आपका अच्छे से पैसा जीरो कराएंगे एंड देयर यू विल बी हैप्पी, क्योंकि किसी दिन चल जाएगा और उस दिन आपका लक चल गया तो आपको पैसे मिल जाएंगे और आप बहुत खुश हो जाओगे। यहाँ वो ऐसा नहीं होता है कि 10 रुपए का ऑप्शन आपको 1,000 रुपए देके चला जाए। बट एनीवे, चॉइसेस इज व्हाट यू मेक एंड चॉइसेस इज व्हाट यू रीप द बेनिफिट ऑफ। अगर आपको वो करना है तो वो करिए, बट आई एम हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग व्हिच इज इन्वेस्टिंग इन द गुड क्वालिटी स्टॉक्स, पिकिंग अप एट द राइट प्लेस, डूइंग माय मनी मैनेजमेंट एंड व्हेन इट गोज डाउन आई ऐड मोर। दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू ट्रेड। विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ। अगर आपको कंसिस्टेंट मनी बनाना है, पैसे बनाने हैं, तो जुड़े रहिए, लोगों के साथ मेरा चैनल शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए। योर कमेंट मैटर्स अ लॉट बिकॉज दैट्स वेयर आई हियर अबाउट यू गाइस, आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। लिखो मुझे आज कहाँ पे अपने पैसे बनाया है, और RVNL सुबह दिया था आपको 584 पे, 595 का हाई लेवल। अगर आपने पैसा बनाया है तो प्लीज लिखिए किस स्टॉक में बनाया, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करें तो भी लिखिए। और अगर रिसेंटली बालू फौज, आपने देखा था मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, और बालू फौज आज अपर सर्किट में 777 पे जाके लॉक हुआ है। ऐसी प्राइम रिसर्च कौन आपके लिए लेके आएगा, दैट टू बी ऑन अ फोरम वेयर इट्स पब्लिक फोरम, राइट? नो वन डज इट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइज, आई एम डूइंग रिसर्च फॉर यू, आई प्रोमिस यू नॉट टू डू एनीथिंग which is not ethical. I will give my 100% in finding out best stocks for you. और आज का मेरा जो स्टॉक था वो था क्राफ्ट्समैन, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और आपको मैंने जो जोन बताया है पूरा एक्सप्लेन किया है, स्टडी किया है, अगर आपको अच्छा लगता है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।